दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से, और यहाँ आंदोलन से ही एक और वीडियो लेकर आए हैं। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो लगभग 350 किलोमीटर जो है साइकिल से चलकर आंदोलन तक पहुँचे। चलिए बात कर लेते हैं। हाँ जी, नाम क्या जी आपका? मैं बलराज सिंह चौहान, होशियारपुर पंजाब से। मैं साइकिलिस्ट भी हूँ, एक किसान भी हूँ, एक बिजनेसमैन भी हूँ। और जब से किसानों का आंदोलन चला है, 2-3 रोज़ पहले मैं नाना था लेकिन सेहत ख़राब होगी, लेकिन कल सुबह दोपहर को मैं ठीक हुआ। और दोपहर को मैंने साइकिल 3-4 बजे उठाया और अभी मैं 4-5 बजे यहाँ पे पहुँचा हूँ। 360 किलोमीटर साइकिल चलाकर यहाँ पर आया हूँ, किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए, इनके साथ इनका हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ। कल चले थे आप दोपहर को? हाँ, कल दोपहर 3-4 बजे के करीब चला था। आज कितने बजे पहुँचे? आज मैं जहाँ 5 बजे से पहले पहुँच गया था। हाँ जी, मतलब बहुत हौसले के साथ हुआ इतना लंबा सफर। हाँ, रास्ते में ऐसा है कि जो मिल रहे हैं काफ़ी हौसला बढ़ा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, बहुत कुछ हो रहे हैं। कई मीडिया कवरेज मिल रही है वो रोक लेते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो हम 18 घंटे में लगा देते हैं। क्योंकि मैं एक साइकिलिस्ट भी हूँ और मैं 200, 300, 400, 600, 1000, 1400 किलोमीटर तक साइकिलिंग करता हूँ, रेस में जाता हूँ। मतलब कोई एथलीट वगैरह में जाती हुई वैसे? हाँ, हमारी ब्रेवे होती है, वो वर्ल्ड लेवल की होती है ब्रेवे, उसमें टाइमिंग होती है। वो 1400 किलोमीटर तक हम रेस की हुई है मैंने। अच्छा, उसके लिए करते हो? हौसले, हाँ, इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा कर लेते हैं। अब यहाँ मतलब आंदोलन अंदर में यहाँ पे, हाँ अभी शामिल हो रहे हैं हम, आज कल यहाँ पे रहेंगे, एक दो दिन देखते हैं। अभी बात चल रही है कि आज सिरे चढ़ती है, नहीं तो फिर डटे रहेंगे यहीं पे। आप पूरा समर्थन में, मतलब पूरा समर्थन? पूरा समर्थन, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, बिजनेस में कुछ भी हूँ, लेकिन उनके साथ हूँ। अन्याय हो रहा है जो इतना हरियाणा में इनको पीटा गया, पानी की बुछाड़े हैं, 70 से बुजुर्ग हैं, माई बीबी हैं, प्रोटेस्ट करने दिल्ली जा रहे हैं, जाने दो, हर एक का राइट है। इनका तो रोकना पड़ता है, दिल्ली रोक लेती है, सेंटर रोकता वो भी करता है। इन्होंने तो बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा की है, ज़्यादा की। जे हमारे को 82 का याद करा दिया है, 82 में एशियाड गेमें होनी थी, तो उस टाइम सिखों को भी ऐसे किया था, बच्चों से उतार लिया था, भजनलाल सरकार थी उस टाइम भी ऐसे किया था, वही उनको दोहरा दिया इस बार। और साथ में सरकार ये बोल रही है हमने आने दिया इनको, तभी आसानी से पहुंच गए इनको। नहीं, आने क्या दिया, आने के बहुत धक्के दे रहे हैं, पूरी कोशिश की रोकने की। हाँ, और ऊपर से मतलब सफाई दे रहे हैं, उनमें तो जोश इतना है, वो तभी आ रहे हैं, अभी बैठे हैं यहाँ पे, उठा के अभी तो देख लो उठाकर जोश की। आपने भी एक मिसाल दी है, जो हमको भी ऐसे देख कर जोश आया था, हमें हम भी साथ मेरे हिस्सा मानते इनका जाकर। हाँ, क्योंकि हम भी जोश है, इतने दूर से आना साइकिल बहुत बड़ी बात होती है, हमारा भी फर्ज बनता है। ये देखो 3-4 दिन से बैठे हैं, सर्दी में बैठे हैं, बातें ऐसे कपड़े तो नहाते हैं, बड़ी कहना ही सौखा लाता है, लेकिन जो बीते बहुत औखा होता है, घर बार छोड़ना। 70-80-90 साल के बुजुर्ग माताएँ आई हैं, बच्चे हैं 10-12 साल के, वो भी बेचारे बैठे हैं। जब उनको पता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, हम लुट रहे हैं, आने वाले से पहले समय से वो ऑर्डनी ऐसे इतने बम की तरह गिरा दिए गए, कोरोना का जोर है, क्या जरूरत पड़ी इतने रातों रात लगाने की? उसके पार्लियामेंट में रखो, बहस कराओ, पब्लिक को बताओ। अब किसान को पता चलेगा, नहीं मानते वो। आपके लिए जैसे वैसे ट्रालियाँ भी आई होगी? बहुत ट्राली हमारे, बहुत आ रही, पहले से आई हुई, अभी रास्ते में आ, पीछे बहुत आ रहे हैं। अच्छा, मतलब आपने सोच रखा था कि मतलब साइकिल से जाना है? बिल्कुल बिल्कुल, 3-4 रोज़ पहले मैंने मूड बनाया था, पहले दिन आना था लेकिन थोड़ी सेहत ख़राब हो गई थी। अच्छा, कल ठीक हुआ, कल ही उठाया हम आ गए। चलो जी, देख लीजिए, एक और बहुत बड़ी मिसाल है किसान आंदोलन के लिए, बहुत खुशी की बात है, इतनी दूर से चलकर लोग आ रहे हैं साइकिल से, जो इन्होंने 350 किलोमीटर का जो सफ़र तय किया है। कर लीजिए, ये देख लीजिए आप साइकिल, एक बार गौर से, फूलों से सजी हुई है ये देखिए। आपको खाना पानी की कोई प्रॉब्लम हुई रास्ते? नो प्रॉब्लम, हम तो जब साइकिल जाए तो वैसे भी कम खाते हैं, लेकिन फिर भी रात पर लंगर लगे हुए हैं, बहुत सेवा हो रही है, यहाँ पे आए हैं तो हर कोई जाने नहीं देता, थोड़ा खा के जाओ, चाय पी के जाओ, कुछ भी जाओ करो। वैसे साइकिलिंग के तो वैसे भी बहुत लोग जो देखते हैं इतनी दूर से आ रहा, वैसे भी जो नहीं भी जानता वो भी रोके कुछ खिलाता पिलाता है। थैंक यू, ठीक है जी, धन्यवाद।